हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर रिएक्ट करने वाला हूं हिना परवेज बट एपिक फनी मोमेंट। इनकी पिक्चर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको देखा हुआ है एंड ये शायद वही हैं जिनको मैंने शायद कुछ मीम्स में देखा है, जो इमरान प्याज खान कर कुछ स्पीच दे रही थी बैठकर, या फिर एक शॉपिंग में भी देखा था इनको, शॉपिंग मॉल में कुछ खिलौने खरीद रही थी कि इलेक्शन के बाद इमरान खान को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो चलो इस वीडियो को देखते हैं कि एपिक फनी मोमेंट्स उनके कौन से हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, नून लीग में कोई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं, बस एक हिना परवेज भट है जो रटी रटाई सियासत करती है। ये उस रट्टा स्टूडेंट की तरह है जो वैसे तो सबक को रट्टा मार मार के पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन जब पेपर होता है तो उसे सब कुछ भूल जाता है। और अगर इससे आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल पूछ लिया जाए तो फिर ये उस सवाल का वही जवाब देती है जो ये घर से रट्टा मार के आती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नून लीगी रहनुमा हिना परवेज भट के बारे में। वैसे तो ये नाम की सियासतदान है, लेकिन जिस्म की नुमाइश करने और सियासत के आला अहदेदारों को अपने जाल में फंसाने में इसका कोई सानी नहीं। वैसे तो इनके बहुत से नाम हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें कनीज़े अव्वल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नून लीग के हर एक जुर्म पे पर्दा डालती है। हिना परवेज के कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे तो ये औरत अकल से फारिग है, क्योंकि इज्जत बेचकर इसे सस्ती शोहरत चाहिए। पंजाब असेंबली से इस वायरल वीडियो को देखें, जिस वीडियो को खुद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी रिकॉर्ड कर रहे हैं। असेंबली में वोटिंग के दौरान दोस्त मजारी सिर्फ हिना परवेज भट को ही रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। इसे ही तो कहते हैं लड़की का चक्कर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार था। नहीं क्यों कर रहे हैं रिकॉर्ड, कुछ था इनका चक्कर? अरे देख लिया, अब यार लड़की भी क्या चीज है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। हिना परवेज भट ज्यादातर अपनी नुमाइश करती रहती हैं ताकि वह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। मंसूर अली खान के एक शो में हिना परवेज भट अपने कीमती असासे दिखाती हुई नजर आईं। वो हंस रहा है एंकर जो है। नून लीग में इसे फहाशा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जी भर के पैसे दिए जाते हैं और चपड़ चपड़ करने के लिए मैदान में उतार दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रट्टा मार स्टूडेंट सारे सवालों को घर से ही रट्टा मार के आती है और एंकर्स को पहले ही बता देती है कि मुझसे ये सवाल करना है और ये नहीं। लेकिन इस वीडियो में अचानक इसका सामना एक ऐसे एंकर से हो जाता है जो न सिर्फ इसे शर्मिंदा कर देता है बल्कि इसे यहाँ से भागने पर भी मजबूर कर देता है। अभी आपने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को हम घर भेजने आए हैं, आप मुझे ये बताएं सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टर्स कौन हैं? देखिए, जो लोग मिलविस हैं सिलेक्टर्स, उनका नाम एग्जैक्टली विजिबल है। आप वो चलाएं, मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो चलाएं। मेरे अंदर है, बताऊं, मैं चलाऊंगा। अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम। एक स्टेज पे मलिक नवाज भी हैं, एक ही स्टेज पे उसी स्टेज पे बिलावल साहब भी हैं, दोनों की कुर्सियां भी साथ साथ हैं। अगर मैं आपसे कहूं अपने इस कॉज के लिए जीए भुट्टो का नारा लगा दें। देखिए, हर पार्टी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा जीएनएन या किसी और मीडिया चैनल का नारा लगाएं। जीएनएन जिंदाबाद, समा न्यूज जिंदाबाद, सीएनबीसी जिंदाबाद, एक्सप्रेस न्यूज जिंदाबाद। ये तो उल्टी पड़ गई। अब इस अगली वीडियो में इस बेचारी का सामना पाकिस्तान के माया नाज एंकर इरशाद भट्टी से हो जाता है। मेरे ख्याल में इतने बड़े हाई क्लास सहाफी के साथ इस थर्ड क्लास औरत को बिठाना इस सहाफी की तोहीन है। इस प्रोग्राम में इरशाद भट्टी ने हिना परवेज भट्ट को दिन में तारे दिखा दिए और ऐसे ऐसे सवाल कर दिए कि हिना परवेज भट्ट की सांसें अटक गईं। मैं हिना साहब से पूछ रहा हूँ, ये इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कि बिलावल ने क्या कहा था कल मुझे कि हाउस ऑफ शरीफ की तीन नस्लें चोर हैं, आपका वजीर खारजा है, जरदारी साहब ने क्या कहा था, ये बात सुन लीजिए, दरिंदा है, नासूर है धरती का। ये अगर इस दफा भी हमने इसके साथ मौलवी नवाज शरीफ के साथ हो गए ना तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है ग्रेटर पंजाब बनाने वाला। अब इस अगली वीडियो में यासर हुसैन ने भी बातों बातों में हिना परवेज भट्ट की बैंड बजा दी और हिना परवेज भट्ट को सीधे सीधे चोर कह दिया। मेरा जल्दी से मेरा पर्स छुपा दे, लेना जाए। वैसे आप कितनी बड़ी चोर होंगी कि नून लीगी भी डर रहे हैं आपसे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म। ये तो सभी के साथ साथ नून लीग भी जानती है
कि हिना परवेज भट्ट एक फहाश औरत है जो अक्सर अपने नाजेबा स्कैंडल्स की वजह से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन किसी भी स्कैंडल के वायरल होने के बाद भी शर्म हया इनके पास से भी नहीं गुजरती और ये हर अगले दिन एक नए जज्बे के साथ नए स्कैंडल के साथ मार्केट में आ जाती है। दोस्तों, दुनिया में ओवर कॉन्फिडेंस का कोई भी इलाज नहीं है। यहाँ हिना परवेज भट्ट ने जिमनी इलेक्शन में इमरान खान की न होने वाली हार के बाद इमरान खान को पहले ही ट्रोल करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन इमरान खान ने इनकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर दिया। 17 जुलाई को ना इमरान खान ने एक रोंदू बेबी की तरह बहुत रोना है, तो मैं यहाँ गिफ्ट शॉप पे आई हूँ। मैंने कहा ये हैप्पी बर्थडे, उल्टा बढ़ गया था ये इनका मजाक फराग होगी के लिए, तो मैंने ये बार्बी डॉल का गिफ्ट ले लिया क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो इमरान खान साहब को सजेस्ट करें रोंदू बेबी के लिए 17 जुलाई के लिए कौन सा। पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। वेल, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। सो ये थी साहिबा हिना परवेज भट्ट, और मैंने जैसे कि इनको देखा हुआ था तो मैंने पहले शुरुआत में बोला था, कुछ वीडियोज़ मैंने इनकी देख रखी थी, इमरान प्याज खान इमरान ऐसे करके कुछ ट्रोल कर रही थी, मतलब ये इमरान खान को, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई इन्होंने। बिया पाकिस्तानी चैनल से ये वीडियो है, जाकर चेक ज़रूर करिएगा इनका वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो की बात करो तो इसमें ये मुझे लग रहा था कि कोई एंकर हैं, शायद ये एंकर हैं, लेकिन उनकी रहनुमा कह रहे थे ये शहबाज शरीफ एंड PMLN की रहनुमा बताया जा रहा है इन्हें। तो बहुत ही फ़नी टाइप की रहनुमा है, मतलब कुछ भी करती हैं, और जो टीवी पर बैठकर अपने कपड़े संभाल रही थी यार, वो तो शॉकिंग ही था, क्योंकि दूसरा जो बंदा था बैठा हुआ वो भी हंस रहा था इनके ऊपर। मतलब लाइव शो में पता नहीं है कि क्या करना है। इसमें इनकी काफ़ी सारी करतूतें सुनने को मिली, देखने को मिली, एंड बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।